हेलो गाइस, नमस्ते। आज के रेसिपी में हम बनाएंगे पनीर चीज कटलेट। तो यहाँ पे हम पनीर ले लिए हैं, चीज ले ली है, दो उबले हुए आलू ले लिए हैं बाइंडिंग के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर को हम कद्दूकस करके ले लेते हैं। तो पनीर कद्दूकस कर लिए हैं, आलू भी कर लेते हैं इसी में। पनीर आलू कद्दूकस हो गया है, तो इसमें आधा चम्मच नमक डालते हैं। कटा हुआ प्याज डालते हैं, एक प्याज को हम बारीक बारीक काट लिए थे डालते हैं। हरा धनिया डालते हैं थोड़ा सा, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालते हैं, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालते हैं, आप यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच चाट मसाला डालते हैं। डाल कर सभी को मिला लेते हैं। हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं। उठाना उठ जाएगा, ऐसा के तो काम ही है। अच्छे से मिला लिए। मैदा का घोल बना लेते हैं। तो दो चम्मच मैदा डालते हैं, दो चम्मच मैदा, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स डालकर मिला लेते हैं, एक घोल बना लेते हैं। पानी डालकर घोल बना लेते हैं। तो ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। इस तरीके के घोल बना लेना है, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा ठीक भी नहीं। तो रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे चीज़ को हम खोल लेते हैं। चीज़ के छोटे छोटे पीस में कट कर देते हैं इस तरीके से। घुमा रहे हैं ज़्यादा, इस तरीके से कट कर देते हैं। आलू पनीर का बॉल बना लेते हैं। आप चाहो तो इसी तरीके से बना सकते हैं बिना चीज का। तो यहाँ पे हम चीज डाल देते हैं बीच में, इस तरीके से चीज डाल दिए। इस तरीके से मैदा कॉर्नफ्लोर का घोल बनाए हैं उसमें डाल देते हैं। इस तरीके से अच्छे से डीप कर दीजिए। यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, घोल में अच्छे से डीप करके इसमें ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर दीजिए। अच्छे से कोट करके एक प्लेट में रख लेते हैं। इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट करके एक प्लेट में रख लीजिए। इसी तरीके से हम बना लेते हैं। होल में डाल के डिप कर लेते हैं, ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छे से कोट कर लेते हैं। इस तरीके से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, जब मन करे तो फ्राई करके खा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी को बना लेते हैं।
सभी कटलेट को इस तरीके से कोट कर लिए हैं, इस तरीके से दबा दबा कर ब्रेड क्रम्स में कोट कर दीजिएगा। देखिए इस तरीके से सभी को बना लिए हैं। गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं, तेल गरम हो गया है, तेल अच्छा गरम होना चाहिए कटलेट फ्राई करने के लिए। तो कटलेट डालते हैं, तेज आंच पर फ्राई करें। एक साइड से फ्राई हो गया है, पलट लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से कटलेट फ्राई हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है पकाने वाला चीज पनीर आलू को। तो कटलेट फ्राई हो गया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सभी को फ्राई कर लेते हैं। अभी कटलेट फ्राई हो गया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। बना है पनीर कटलेट, पनीर चीज कटलेट बहुत टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो इस तरीके से सर्व कर लेते हैं, अब सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पनीर चीज कटलेट बनकर रेडी हुआ है। देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है बनकर। तो एक बार इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं।